गाइस जब भी हम बल्किंग के बारे में सोचते हैं तो मेनली हमारे दिमाग में क्या आता है, हैवी वेट्स लॉट्स ऑफ कार्ब्स। सो आज डिस्कस करेंगे तीन बिगेस्ट मिस्टेक बल्किंग के बारे में जो लोग गलत करते हैं। सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैनल, वी विल बी राइट बैक। Hey guys, what's up? Welcome back. मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट फिटनेस चैनल फिट मसल टीवी। सो गाइज बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट माय लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था दो दिन पहले। एक्चुअली जब मैंने वीडियो बनाया था आई वाज लाइक यार मैंने क्या अच्छा वीडियो बनाया, फाड़ वीडियो बनाया, मजा आ जाएगा। एंड देन आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर लाइक यस यू डिड द राइट थिंग, आपने बहुत अच्छी चीज़ सामने रखी, हमें ये प्रॉब्लम सही में होती है एंड आई लव द वीडियो। बट जब आज सुबह की बात है, चेक द वीडियो एंड इट वॉज लाइक इट हैड सम मैसिव मैसिव डिसलाइक्स एंड आई मुझे पता चला लोगों को पसंद नहीं आया। गलती उसमें मेरी थी बिकॉज उस वीडियो के एंड में मैं कंक्लूड नहीं किया, मैंने वीडियो अच्छे से मैं भूल गया कंक्लूड करना। गाइस क्या है, आई एम अ प्रोफेशनल एथलीट एंड बेसिकली आई टेक केयर ऑफ माई डाइट अलॉट अलॉन्ग साइड माई वर्क। तो जितना भी मेरा सर्कल है दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स इन अ वे, या फिर वो बहुत सीरियस लेवल पे अपनी बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस को लेते हैं। सो गाइज व्हेन यू मीट अ सीरियस एथलीट उनके लिए उनका डाइट और जिम इज एवरीथिंग, इफ नॉट एवरीथिंग 90%। वो इतना क्लीन खाते हैं और दिन भर ब्लैंड खाना। आई नो अगर इफ़ यू आर नॉट अ सीरियस एथलीट आप उतना क्लीन डाइट नहीं खा पाते, अगर आप कुछ काम करते हैं स्टूडेंट हैं तो आप एक शौक के लिए करें, बट पीपल हु आर प्रोफेशनल वो इतना क्लीन खाते कि उनको बोरियत हो जाती है गाइज, इंक्लूडिंग मी। सो फॉर अस वी लुक फॉरवर्ड टू इट, मतलब हम सोचते हैं जल्दी से वर्कआउट खत्म हो और कुछ, इट इज़ लाइक हैविंग दिस मच ऑफ हैप्पीनेस इन अ डे, दिस इज वॉट वी क्रेव फॉर। सो दिस वीडियो वॉज फॉर दैट। तो जो भी प्रोफेशनल एथलीट्स है जो कि सीरियस बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बहुत अच्छा रिलेट कर पाए इस वीडियो से, बट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट प्रोफेशनल्स। सो आई नो मुझे वो कंक्लूड करना चाहिए था वीडियो में बट नहीं कर पाए, बट एनीवेज वंस अगेन थैंक यू एंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज बात कर रहे हैं तीन बिगेस्ट बल्किंग मिस्टेक्स की। सो मिस्टेक नंबर वन, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो स्ट्रेट अवे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं देखता हूँ लोग करते हुए, बल्किंग का जैसे ही नाम आता है दिमाग में वी स्टार्ट थिंकिंग कार्बोहाइड्रेट्स हमें खानी है। सो कार्बोहाइड्रेट बिकॉज हमें लगता है कटिंग में क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट काट देनी है, और बल्किंग में क्या करना है, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट खाना है, और कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट खाना है। सो हम बहुत सारा उसमें जंक भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हमें लगता है कार्बोहाइड्रेट है बल्किंग में हेल्प करेगा, जिम में वर्कआउट करेंगे काट देगा। मैं पहले बहुत बार ये डिस्कस कर चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प नहीं करता। अब इस मेरी बात को बाल का खाल मत निकाल लीजिएगा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्प नहीं करता इसका मतलब है कि वो न्यू मसल सेल जनरेट करने में हेल्प नहीं करता। न्यू मसल सेल सिर्फ जनरेट होते हैं आपके प्रोटीन्स और फैट से, कार्बोहाइड्रेट इनडायरेक्टली हेल्प करता है आपको नए मसल जनरेट करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ एक फ्यूल होता है आपके वर्कआउट्स को फ्यूल करने के लिए, आपके डे टू डे कामकाज को फ्यूल करने के लिए, आपकी बॉडी को फ्यूल करने के लिए, आपके ब्रेन को फ्यूल देने के लिए। सो गाइज अगर आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो वो सिर्फ एक ही काम करेगा, आपके फैट में कन्वर्ट होगा, जो कि होता है मोस्टली बल्किंग में। लोग बहुत सारा फैट पुट ऑन कर लेते हैं, मसल एक दो पाउंड आएगी आपकी और फैट बहुत सारा आएगा, जो कि आजकल का ट्रेंड नहीं है। आजकल लीन बल्क को प्रेफर कर रहे हैं लोग, और लीन बल्क कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। गाइज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहूँगा कि कैसे मसल सैचुरेट होती है कार्बोहाइड्रेट से। सो गाइज लेट मी शो यू दिस एग्जांपल। समझ लीजिए कि जो स्पॉन्ज है ये आपकी मसल्स की तरह है, और इस समय ये पूरा डिप्लीटेड है बिकॉज ये सूखा हुआ है, और ये जो पानी है दिस इज़ लाइक द ग्लाइकोजन जो आपके मसल के अंदर स्टोर होता है। सो आपकी मसल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन ही स्टोर कर सकती है। सो इफ आई पुट दिस वाटर हेयर और इस ड्राई
स्पॉन्ज को मैं डालूंगा यहाँ पे. So it has absorbed all the water. So now I'll put more water. So guys, अभी भी देखिए इस स्पॉन्ज ने पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है एंड दिस स्पॉन्ज इज नाउ फुल्ली एब्जॉर्ब, मतलब पूरा ग्लाइकोजन से भर गया, एक तरीके से मान सकते हैं जैसे आपका मसल भर जाता है ग्लाइकोजन से. सो नाउ लेट सी इफ आई एड मोर कार्ब्स यानी मोर वाटर दिस व्हाट हैपेंस. सो कैन यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, दिस मसल इज फुल्ली फिल्ड अप विद वाटर या सॉरी ग्लाइकोजन कह सकते हैं. दिस स्पॉन्ज इज फुली फिल्ड अप विद वाटर और अब ये बिल्कुल भी पानी होल्ड नहीं कर सकता. तो सेम चीज़ होती है आपके मसल के साथ, जब आपका मसल पूरा का पूरा ग्लाइकोजन होल्ड कर लेता है तो ऐसा ही कुछ हाल होता है, आपका ग्लाइकोजन ओवरफ्लो हो जाता है एंड देन इट कॉजेज यू ब्लोटिंग एंड देन इट कॉजेज यू एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना कार्ब्स खाएंगे बिकॉज मसल बिल्डिंग में वो फायदा नहीं देगा. तो गाइस देखा आपने कार्बोहाइड्रेट्स का पर्पस सिर्फ ये है कि वो मसल में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर हो जाए और जब ज़रूरत होगी आपको फ्यूल देने की वर्कआउट के लिए, एटीपी जनरेट करने के लिए, तब वो वापस से एटीपी बन के आपको मैक्सिमम एनर्जी दे ताकि आप हैवी लिफ्ट कर सके जिम में, आपको एनर्जी आए और जब आप हैवी लिफ्ट करेंगे उस हैवी वेट से आपका मसल फाइबर ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा और इन रिटर्न आपकी मसल ग्रोथ होगी. बस यही काम है, जब आपका फाइबर ब्रेकडाउन हो जाएगा उसकी रिपेयर के लिए आपको सिर्फ एमिनो एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स या नॉन फैट, पूरा एक कम्प्लीट आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 की प्रोफाइल चाहिए होगी. कार्ब्स बल्किंग में कितनी रखनी चाहिए फॉर एन एवरेज गाय, आई थिंक अगर आप दिन के 6 मील खाते हैं उसमें से दिन के 4 मील में अगर आप कार्ब्स रख रहे हैं इट इज़ इनफ फॉर यू. यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी हायर कार्ब्स अनलेस यू आर अ बिग लाइक 250 pound मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डर, उस लेवल के बॉडी बिल्डर हैं तो आपको शायद दिन की 500 gram 600 gram बिग रैमी. These guys eat like huge amount of carbs because उनकी body को requirement है. But for average guys 70 to 75 to 80 kilos, 50 grams of carbs in a meal to 4 grams 4 times in a day. So अगर आप अपना carbohydrate between 200 to 250 रखेंगे it is good for you. 200 to 300 भी रख सकते हैं for big guys. So that is the measurement of carbs जो आप रख सकते हैं. Guys mistake number 2 जो लोग बहुत लोग करते हैं, जब भी हम फैट्स का नाम सुनते हैं हम घबरा जाते हैं. ये टिप स्पेशली जो हार्ड गेनर्स हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है ये, बिकॉज फैट इज देखिए एक तो एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए. नंबर 2 फैट्स जो है बहुत ही कैलोरी डेंस एक जो है फूड सब्सटेंस है. आप 1 gram फैट खाएंगे आपको 9 कैलोरीज मिलेगी. जिनको बल्किंग की प्रॉब्लम होती है कि मैं कितना भी खा लूँ मेरे को वेट गेन नहीं होता, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज़ ट्राई टू हैव गुड फैट्स एज मच एज पॉसिबल. पीनट बटर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड जब मैं पीनट बटर की बात करता हूँ आई रिकमेंड यू बाय अ गुड क्वालिटी पीनट बटर जो आजकल मार्केट में सस्ते मिलते हैं 150-200-300 रुपए के पीनट बटर. आई डो नॉट वॉन्ट टू नेम द कंपनीज बट उसको आप देखेंगे अगर आप खोलेंगे उसको और वो जमा हुआ है पीनट बटर, इट इज़ नॉट फ्लोइंग वेल, उसके ऊपर तेल कुछ ऑयल नहीं आया सैचुरेशन होके, दैट मीन्स दैट पीनट बटर इज शिट, उसको आप मत यूज़ करिए. बाय अ गुड क्वालिटी पीनट बटर. गुड क्वालिटी की पहचान क्या है, जैसे आप उसका पैक खोलेंगे ऊपर ऑयल फ्लोट करता हुआ मिलेगा आपको और वो उसकी कंसिस्टेंसी जब आप उसको चम्मच से निकालेंगे इट विल बी लाइक अ जेली. पीनट बटर इज अ लाइफ सेवियर. अगर आपकी बल्किंग में दिक्कत हो रही है ट्राई टू हैव लॉट ऑफ नट्स, लॉट ऑफ फैट्स, फिश ऑयल्स एंड उसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी. हो सकता है बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है वो प्रोटीन कम खा रहे हैं बट ऐसा नहीं होता, वो शायद फैट्स कम खा रहे होते हैं. पर्सनली अगर अपना एग्जाम्पल दूँ, लास्ट ईयर आई कम्पीटेड, आई वॉज 89.6 kgs ऑन दैट शो डे. जिस दिन कॉन्टेस्ट था उसकी सुबह 89.6 बिकॉज मेजरमेंट होती है बॉडी वेट मेजरमेंट, सॉरी रिमेंबर 89.6 और लास्ट ईयर जब मैंने कम्पीट किया आई वॉज 94 kilos. सो इतना फ़र्क पड़ा एंड एवरीथिंग एल्स वॉज सेम, मैंने कुछ चेंज नहीं किया था. आई वॉज लीनर हार्डर एंड 4 kilos हैवियर ओनली बिकॉज I was eating a lot more of fats. So guys, changes I made was मैंने breakfast में egg yolks बढ़ा दिए अपने. दिन भर I was eating one extra spoon of peanut butter. रात को थोड़ा fish oil बढ़ा दिया. I increased about 200 calories from fats over the period of 3 months and इतना ज़्यादा फ़र्क लगा मुझे. So it is very important. Trust me, बहुत लोग इसको underrate करते हैं क्योंकि fat सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि फैट खाएंगे फैट मोटे हो जाएंगे, फैट खाएंगे मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3 मिस्टेक. जो तीसरी मिस्टेक करते हैं लोग बल्किंग पे वो है दे कंटिन्यू ऑन सेम डाइट. अगर आपने बल्किंग प्रोग्राम चालू किया, आपने कुछ शुरुआत में एक बल्किंग डाइट चालू की है,
आपको मान लीजिए रिजल्ट आ रहा है, शुरू के एक महीना आपने बल्क किया, पुट ऑन वेट किया एंड उसके बाद आपका वेट पुट ऑन होना स्टॉप हो गया, तो आप क्या सोचते हैं यार अभी बल्किंग में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यू कंटिन्यू ऑन सेम डाइट, आप वर्कआउट और हार्ड कर देते हैं और हैवी ट्रेनिंग कर देते हैं। बट गाइज अगर आप बल्किंग कर रहे हैं, आपका मसल मास बढ़ रहा है, आपका जो है BMR भी बढ़ रहा है, अगर आपका BMR बढ़ रहा है मतलब आपको कैलोरीज और ज़्यादा चाहिए टू मेंटेन दैट सेम ग्रोथ। अगर आपने बल्किंग 70 किलो से स्टार्ट की थी और आपकी रिक्वायरमेंट उस समय लेट से 2500 कैलोरीज थी, अभी आप 72 किलो के हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, सो यू डोंट काउंट फॉर दैट। सो मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप बल्किंग करें, दिस इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट कोच जो सही पॉइंट पे आपकी गलती को पकड़ के पॉइंट आउट करेगा और आपको बताएगा कि अभी क्या चेंज करना है प्रोग्राम में। सो अगर आप कैलोरीज हर पॉइंट पे बढ़ाते रहेंगे सो आपकी बॉडी एक तो कभी यूज्ड नहीं होगी एंड यू विल ऑलवेज मेंटेन दैट कैलोरी सरप्लस जो चाहिए होता है बल्किंग प्रोग्राम के लिए। व्हाट आई रिकमेंड फॉर बल्किंग, सबसे पहले इफ़ किसी का बल्किंग स्टॉल हो गया, कोई वेट गेन नहीं कर पा रहा, सबसे पहले आई वुड इंक्रीज अ प्रोटीन शेक, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा देन आई वुड इंक्रीज फैट्स, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा देन आई विल इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स इज द लास्ट थिंग विच यू शुड इंक्रीज। अगर आपका बल्किंग स्टॉप हो गया ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज प्रोटीन फर्स्ट फैट फर्स्ट, यूजली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अगर फिर भी नहीं होती तब आप कार्ब्स इंक्रीज करिए। गाइस थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग अस सो मच ऑफ लव, बहुत ही जल्द मिलेंगे विद अनदर वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फिट मसल टीवी। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।